एस गार्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हम लोगों की तरफ क्या बोलते हैं? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। जहाँ देखें फूल वही मधुमक्खी की तरह चिपक गई। तो सारे तो लड़का लगा रही है, आंटी जी बैक फ्लिप मार रही है, देख रहे डोला डोला हो रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सबको पता होगा कि काफी दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि कहीं घूमने नहीं जा पा रहा हूँ। और आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोग मेरे घर का व्लॉग अगर मैं बनाऊंगा अपने घर तरफ क्या कर रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, तो उसका व्लॉग देखोगे कि नहीं। तो अभी सुबह हो गई है और रेडी हो गया हूँ। अभी थोड़ा घर पे काम है क्योंकि जो घर के ऊपर ये जो सीट देख रहे हो ना, इसके ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको दाई का निकाला हुआ एपर सीट पर से भूरा बोलते हैं उसको। तो अभी इसी को निकालेंगे, तो ये देख सकते हो ऊपर दिख रहा है, इसी को अभी चढ़ के निकालेंगे ऊपर सीट से। तो ये देखो, ये है मेरे घर के ऊपर का व्यू, पूरा इधर उधर सीट टूटा फूटा हुआ है और हालत थोड़ा घर की खराब है क्योंकि बनवाने के लिए पैसे भी नहीं है। और लड़का खुदा अमीर शौक लेके पैदा हो गया, कभी यहाँ घूमता है कभी वहाँ। तो अभी देखो कितने सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पीस हैं। अभी सारे को तोड़ के निकालना है नीचे, ये सारा तोड़ते हैं। ये देख रहे हो हाथ में कैसे व्हाइट व्हाइट पूरा लग रहा है, ये पूरा व्हाइट व्हाइट छोड़ता है। अगर ये बाल में लगेगा ना तो ऐसा बोलते हैं कि बाल पक जाता है। एस गार्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हम लोगों की तरफ क्या बोलते हैं? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार, भुअरा। और इसका पेठा मुरब्बा जो बनता है सब इसी का बनता है। और हम लोगों के घर तरफ एक कोहड़ौरी बोलते हैं जिसको इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं, वो छत पे सूख रहा होगा, रुको दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये सूख रहा है। तो इसका एक सब्जी बनता है जो सुखा के इसको पूरा गोला गोला साइज का करके बनाते हैं, तो खाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है घर वालों को, मैं तो खाता नहीं हूँ। तो अभी इसको सारा चीज़ निकालेंगे। तो अभी सारा भोरा तोड़ चुके हैं और अब चलते हैं नीचे। धूप बहुत तेज़ किया, एकदम पसीना होने लगा। और ये अपनी टूटी फूटी सीढ़ी देख रहे हो, अब इसी को पकड़ के उतरना है, कहीं खस के ना, ये पता चला व्लॉगिंग सीढ़ी टूटने पे हो गई। तो इधर गर्मी चालू हो गई है और देख सकते हो बर्फ वाले आ गए हैं। और ये अरे सारे काहे उसका खराब कर रहे हो, इसको मत देना इसको, हमको भी दो, गजब बेइज्जती है। तो अभी अपना खाना आ चुका है, भूख काफी तेज लग रही है और सुबह के देख सकते हो 10:30 बज गए हैं। और इधर दादी भी दही पी रही है और खाने में है चावल दाल सब्जी और दही। दही इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि आजकल गर्मी आ रही है तो पेट ठंडा करता है। तो अभी होली आने वाली है और होली के घर में सारा साफ सफाई हो गया है, बस मेरा रूम बचा हुआ था पेंट करने को। ये अभी पेंट होगा, ये वाला दीवार, इधर वाला भी सब सारा पेंट होगा। तो इधर मम्मी लगी हुई है साफ सफाई करने में। और अभी देखते हैं बाहर का, दिखाते हैं आप लोगों को सारा चीज हो गया इधर का। ये देख सकते हो ये पूरा दीवार पेंट हो चुका है, पेंट नहीं, ये चूना से पोता जाता है, कैसे, छुई माटी से ना, छुई माटी जो माटी होता है वाइट उससे पोता जाता है। तो अभी अपना कपड़ा साफ होने लगा है वॉशिंग मशीन में। और ये देख सकते हो वॉशिंग मशीन लेने का यही फायदा है कि हाथ से मेहनत नहीं करना पड़ता है, डाल दो मशीन में, सुखा भी देगा धो भी देगा। फाइनली 3-4 घंटे बाद अपना रूम सारा साफ हो चुका है और ये पेंट भी कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हो पूरा ग्रीन कलर इस बार पेंट हो गया है, पिछली बार ये नीला कलर था और इस बार अभी इसके ऊपर ग्रीन कलर हो गया है। और अभी मैं रेडी होके सीधा चल रहा हूँ रिलायंस के टाउनशिप। अभी 2-4 लड़के और मेरी बहन लोग, ये सब सारे लोग जा रहे हैं, हम लोग भाई लोग ही जा रहे हैं घूमने। यहाँ से निकलते हैं, देख रहे हो कितना सारा कचरा निकला हुआ है, पूरा रूम का हालत इधर उधर सब खराब हो चुका है और ये अंदर से इस तरीके से दिख रहा है। तो फटाफट पहुँचते हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं कब से फ़ोन कर रहे हैं, और अपन भी चलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं। तो अभी आ गया हूँ शिवपहरी और वो लोग मेरे को बिना बताए छोड़ के चले गए हैं, कब से वेट कर रहे थे, उन लोगों को लेट भी हो रहा है। और अभी हम भी पहुँचने वाले हैं, पहले गन्ना का जूस पी लेते हैं क्योंकि गला पूरा सूख रहा है, इतना तेज गर्मी है ना कि पूरा मुंह सूख जा रहा है। ये गन्ना अपना पीते इधर से जूस, उसके बाद सीधा चलेंगे। उसे बता दो यहाँ पे दो रास्ता है, ये भी रास्ता जाएगा ये भी, तो अभी यहाँ से पेट्रोल डालेंगे और सीधा चलेंगे इस रास्ते से। ओके गाइस, तो अभी पहुँच चुके हैं रिलायंस के टाउनशिप, गौतम बुद्ध वाला टेम्पल। और ये देखो 5 मिनट हुआ नहीं है, इन लोगों को आए हुए खाने बहुत गए, भाई सस्ता मिला था, सारे खाना खाए रहे कि नहीं रहे, सोच के सस्ता के चक्कर में देख रहे हो, ये लोग आते आते ही खाने चले गए, पहले उधर घूमने नहीं गए, इस सबसे पहले खाने ही भाग गए। और इधर अरे बंगाली 10 रुपया सारे पाए तो हम खा रहे हैं, घंटे पाए तो हम पहले ही खाए लगलस गा रहे हैं, 10 रुपया दूर से मिला हुआ है। ये देख तू देख सकता, तो तुम लोग सिर्फ खाने ही आए थे कि घूमने? खाए 10 रुपया मिला हमें, 5 मिनट आते नहीं हुआ, खाने में पहले उठ गए, सस्ता चक्कर में ये भी आई है।
कैसे? चलो हम भी देखते हैं सस्ता का थोड़ा शुरुआत करते हैं। खिलाओगे यार? ना खिलाओ जो ला दे। ना खिलाओ जो। तो अभी सब लोग खा रहे हैं तो मैं भी खा लेता हूँ। घूमने जाने से पहले तोड़ चुके हैं और ये अपना डोसा आ चुका है। देखते हैं, पहले खाया था बट इस बार का टेस्ट पता करते कैसा है। जैसे 10 रुपए में तुम दिए थे साला, खा लिया के पहले। अब हम भी थोड़ा चेक कर लेते हैं खा लेते हैं। वैसे इसका जैसा पहले टेस्ट था वैसा ही अभी भी टेस्ट है, कुछ खास चेंजेस नहीं है। 10 रुपए का है, उसके हिसाब से इतना टेस्ट काफी मिल रहा है। काफी सारे लोग खाते भी हैं और पैक करा के लेके भी जाते हैं। देख सकते हो पीछे कितने सारे लोग हैं। और इधर चोर तायला वाना खाए हमने घर वाटे। तो अभी अंदर आ चुके हैं टाउनशिप के गौतम बुद्ध वाले टेम्पल के। और यहाँ पे देखो फोटो वोटो इन लोगों का चालू हो गया। जहाँ देखें फूल वही मधुमक्खी की तरह चिपक गई। तो अभी चलते हैं ऊपर, देखते हैं। काफी सारी भीड़ भी लगी है आज, काफी सारे लोग भी आए। अरे तो बस कर, एक लोग बोलो यार। अच्छा तुम आगे जाओ, आगे चल। पहले थोड़ा डेवलप हुआ है पिछली बार से, मतलब काफी सारी चीजें नया नया बना दिया है। तो अभी चलते हैं अंदर गाइस, नीचे तरफ घूमने। इतना तेज ये खसकता है ना पैर से, ये देखो ये लोग कैसे खसक रही है। आराम से आराम से। एक गुड़मुड़ा दिया, देखे रे, देखे गुड़मुड़ा ही लिया। अरे अरे सारे, अरे अरे भाई, मार मार मार, लाते मार दे ओनर जा। मेरे कुछ सारे तो लड़का लगा रहे। आप लोग तो मेरा पहले का ब्लॉग देख ही चुके होंगे यहाँ का, तो क्या बताएं आप लोगों को। बस देखते हैं, इधर ही घूमते हैं। घूमते नहीं, और ये सारे चोर हर अगल माने। आंटी जी बैक फ्लिप मार रही है, देख रहे हो क्या भी कहा। ये देखो योगा हो रहा है, वो बाबा राम रामदेव के नाम रहे। किसका बेलना गिर गया है ऊपर से रे। तो अभी हम लोग घूमते घूमते थक चुके हैं और पहली बार मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, ये जो पूरा फूल लगा हुआ है ना, ये ओरिजिनल फूल नहीं है, ये प्लास्टिक वाला फूल है। और इसमें देखो लाइट भी लगा हुआ है, लाइट भी जल रही है। अभी रात होगा तो पूरा अच्छे से दिखेगा चारों तरफ का लाइट, इतना तगड़ा दिखता है ना। और ये चोर चिहार, अरे सारे देखो फूल के पास आ गया और ये रहा। तो अभी गाइस हम लोग घूम चुके हैं और अब चल रहे हैं घर की ओर। अरे सांद्रो आगे नहीं दिख रहा है मेरे को, तो चलते हैं और घर तरफ, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। आप सबको पता होगा कि गर्मी स्टार्ट हो गया है और घर पे अभी उतना ज्यादा गर्मी भी नहीं लग रहा है ना, तो ठंडी लग रहा है। तो अभी इसके लिए एक पंखा ले रहा हूँ बजाज का, इधर नीतीश भाई के शॉप से। और इसके दुकान का नाम है RR इलेक्ट्रॉनिक्स। यूट्यूब चैनल भी है क्या इसका? तो ये बजाज वाला फैन है, एकदम स्मूथ चलता है। मेरे को वॉइस ओवर करते टाइम थोड़ा गर्मी लगती है, उसके लिए ले रहा हूँ। और कोई घर पे आ भी जाता है ना तो कूलर का हवा बहुत एक ही जगह स्टेबल रह जाता है। पंखा वंखा बाहर वहर कहीं भी लेके सो जाएंगे तो चलेगा। तो अभी फटाफट सेट कराते हैं, उसके बाद लेके चलेंगे घर पे। हर रेट पे थोड़ा आप डिस्काउंट ले सकते हो अगर आप लोग भी आना चाहते हो, लेना चाहते हो ये पंखा कोई भी चीज। अगर आप लोग मेरा नाम बताओगे तो 100-200 रुपए का और डिस्काउंट दे देगा ना रे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस मेरे नाम से आना। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही गाइज, और आज का मेरा दिन का पूरा दिन का शेड्यूल यही रहा बस। अगर आप लोग भी चाहते हो थोड़ा इंटरेस्टिंग और काफी फनी टाइप का ब्लॉग है तो आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस ब्लॉग को करते ही पेंड, आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद है। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय बाय। भूख लगी, बाबा जानी है, लेकिन बाय।